गायत्री तीर्थ शांति कुंज के निर्देश पर लिधोरा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में आज नव संवत्सर चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ पर प्रातः काल की बेला में नगर में साधकों द्वारा गायत्री मंदिर में एक कुंडीय गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया। देश में फैली कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से संपूर्ण भारत ने छुटकारा पा लिया है एवं माता रानी की कृपा समस्त देशवासियों पर बनी रहे, इसी आशा के साथ नगरवासियों ने आज मां गायत्री के समक्ष यज्ञ में पूर्णाहुति देकर देश में सुख शांति समृद्धि की मन्नत मांगी। इस अवसर पर कई महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों ने इस पुनीत कार्य में भाग लिया। यज्ञ का सिलसिला सुबह से दोपहर तक जारी रहा। गायत्री मंदिर के संरक्षक परमानंद सोनी ने बताया कि आज शाम से नवरात्रि के 9 दिनों तक रोजाना गायत्री मंत्र सामूहिक जप किया जाएगा। जो भी भक्त उक्त आयोजन में शामिल होना चाहता है वो मंदिर परिसर में आकर सामूहिक जप कर सकता है। लिधोरा से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। अपना ये जो गायत्री मंदिर से कार्यक्रम होना है नवदुर्गा में, इसके बारे में आप थोड़ा। गायत्री मंदिर में हम लोगों ने नव संवत्सर वर्ष को गायत्री यज्ञ के माध्यम से मनाया किया था। आज उसी उपलक्ष्य में गायत्री मंदिर में एक कुंडी यज्ञ हुआ। हमारे बहुत सारे गांव के परिजनों ने भाग लिया, भागीदारी की और यज्ञ किया। इसके बाद संध्या काल में 6 बजे से लेकर के और 7 बजे तक अखंड जप का आयोजन किया गया है और प्रतिदिन अखंड जप ये चलेगा। इसकी पूर्णाहुति रामनवमी को गायत्री मंदिर में यज्ञ के माध्यम से की जाएगी, जिसमें हम जो परिजन इसमें भाग लेंगे और यज्ञ में जाप करेंगे, यज्ञ करेंगे, वो सभी रामनवमी को पूर्णाहुति के रूप में ये कार्य को संपन्न करेंगे। ऐसा हर वर्ष गायत्री मंदिर में किया जाता है और गायत्री मंदिर में गायत्री माता की पूजा अर्चना आराधना सदैव चलती रहती है। वर्षों से ये क्रम चल रहा है। हम सभी गायत्री परिवार के परिजन आज 9 वर्ष की सबको हार्दिक बधाई देते हैं और सभी के जीवन में मंगल कामना है गायत्री माता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।